बॉलीवुड इंडस्ट्री पर शादी का खुमार चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की कई जोड़ियां शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। कटरीना कैफ, विक्की कौशल और आलिया भट्ट, रणबीर कपूर की शादी की खबरों के बाद अब पत्रलेखा राजकुमार राव की शादी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की ये जोड़ी भी इसी साल शादी करने जा रही है। खबरों की माने तो राजकुमार राव और पत्रलेखा अगले महीने शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी की तारीख भी सामने आ चुकी है। पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी के लिए जिस तारीख की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है 10, 11 और 12 नवंबर। इन तीनों दिनों में से ये जोड़ी कभी भी शादी कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कपल के कुछ करीबी सेलेब्स को पहले ही इन्वाइट किया जा चुका है। बेशक इंडस्ट्री से बाहर के दोस्त और रिश्तेदार भी शादी में शामिल होंगे, लेकिन ये शादी एक करीबी समारोह होगी। हालांकि अभी दोनों में से किसी ने भी अपनी शादी की तारीख को लेकर कोई भी ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है। अलग अलग रिपोर्ट में दोनों की शादी की तारीख के आउट होने की बात भी लगातार कही जा रही है। साल 2018 में पत्रलेखा से उनकी शादी के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि राजकुमार राव और उनके पास अभी बहुत कुछ हासिल करने के लिए है और लगभग 6 से 7 साल तक उनकी ऐसा करने की कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन अब लगता है कि दोनों ने इस समय को आधा करने का फैसला कर लिया है। बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा की रिलेशनशिप करीब 10 साल से चल रही है और दोनों बहुत लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। राजकुमार राव और पत्रलेखा के फैंस को लंबे वक्त से उनकी शादी का इंतजार है और ये उनके सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके फेवरेट कपल अब जल्द ही साथ फेरे लेने जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।